क्या हुआ? योगी गए अपन। योगी जी हैं कौन, आप पता है? भैया कहाँ कहेंगे आपको? हैं? पहले हमारा टेस्ट कराओ, उसके बाद फिर बात करो। बंद करा सब। ये योगी जी देखेंगे कि उनके कर्मचारी दारू पी के काम। अरे दारू पी तो रही योगी जी का ही मतलब ही जाना तू उनके मतलब यहाँ कोनो काम बदे 10,000 का कटरी लिफाफा में भर के दे गया। ये जाना तू अन योगी जी कहाँ ले थे? योगी ना ले सो ना है कौन लेता है? अब नाम तो ना हम बता पाओ। ए सीना ठोक करके बोला थी सोनार का डिपार्टमेंट में आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। किस डिपार्टमेंट में है? डिपार्टमेंट क्यों बताऊँ? नशे में झूमता ये शख्स एक सरकारी मुलाजिम है। इसका पद रोड रोलर ड्राइवर का है, लेकिन इसका रौब किसी अधिकारी से कम नहीं। और ये है इसके अधिकारी नीरज कुमार सिंगल, जो खुद दफ्तर में बैठकर पान चबा रहे हैं और नशे में धुत ड्राइवर को सस्पेंड करने की बात कह रहे हैं। ये तो था इन दोनों का परिचय। अब आगे की दास्ता सुनिए। कौशाम्बी के विकास भवन में तैनात एक कर्मचारी ने शराब के नशे में जमकर हंगामा मचाया। हर इंसान ट्रांसफर के लिए पैसा देता है। भवन के आरईएस कार्यालय में तैनात ये है संजय कुमार वर्मा, जो रोड रोलर के ड्राइवर है। संजय ने ऑफिस पहुंचकर जमकर शराब का सेवन किया और जब शराब की गर्मी सर पर चढ़ गई तो योगी से लेकर मोदी और ऑफिस के सभी लोगों को संजय ने जमकर गालियां दी। हालांकि योगी ने सत्ता संभालते ही सरकारी दफ्तरों में गुटखा और पान पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्या हुआ? योगी जी हैं कौन, आप पता है? लेकिन यहाँ तो सरेआम शराब के नशे में गालियाँ दी जा रही हैं। वहीं अधिशासी अभियंता ने कहा कि चेतावनी दी है और सस्पेंड करने की चेतावनी दी। डिपार्टमेंट क्यों बताऊं? कहाँ तैनात है? योगी जी को बताना है। योगी जी का क्या हुआ? योगी का डिपार्टमेंट में वर्मा जी हैं, जो ड्राइवर के पोस्ट पर तैनात हैं। नीचे ये शराब के नशे में लोगों की गाली गलौज कर रहे हैं, ड्यूटी के समय में इसके। हाँ, ये आज मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया है। दो बार ये मेरे कमरे में भी आए थे, मुझे महसूस किया कि इन्होंने शराब पी रखी है। मैंने आज उसको चेतावनी दे दी है और बल्कि इतना तक कहा है कि अगर तुम्हें मैंने दोबारा देख लिया तो तुम्हारा पकड़ करके मेडिकल करा दूंगा, तत्काल सस्पेंड करा दूंगा। ये सरकारी गाड़ी नहीं है, परंतु ये रोड रोलर है जो पुराने जमाने से भर्ती हुए थे और वही चले आ रहे हैं। नई भर्ती किसी की नहीं हो रही है, केवल रिटायरमेंट इनका होना बाकी है। नहीं तो वो तो मुख्यमंत्री जी को भी गाली दे रहे हैं, लोगों को भी गाली दे रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट के अफसर 10,000 रुपये का लिफाफा लेते हैं, इसके बाद उनको वेतन देते हैं। ऐसा तो कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में आएगा तो बहुत कठोर कार्रवाई मेरे स्तर से की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पैसे लेकर के तनख्वाह निकाल दें। अभी मेरे पास में उसका लीव एनकैशमेंट का मामला आया था, मैंने उसे भी मना कर दिया। वहीं जब अधिशासी अभियंता नशे में धुत ड्राइवर पर कार्रवाई की बात कह रहे थे तो खुद भी मुंह में पान दबा कर बैठे हुए थे। इसे लगातार पान चबा रहे थे। अब सोचिए सीएम के आदेश के बाद भी जब खुद अधिकारी दफ्तर में पान चबा रहे हो तब कर्मचारी क्यों ना शराब पीकर उत्पात मचाए। योगी जी आप भी देख लीजिए कि कैसे आपके अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही आपके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कौशाम्बी से शिवनंदन साहू की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। देखेंगे कि उनके कर्मचारी दारू पी के काम। अरे दारू पी तो रही होगी जी का ही मतलब जाना तू उनके मतलब यहाँ कोनो काम बदे 10,000 का कटरी लिफाफा में भर के दे गया। ये जाना तू अन योगी जी कहाँ ले?
योगी नाले सो ना है कौन लेता है और नाम तो ना हम बता पाओगे योगी नाम तो बता बड़ा साफ की तरह है ना।